जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हकीमों से ये कह दो बोल कर, उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, दावा करते जो किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिस्सा, कैसे मुकरोगे बता दो ए जना, जब ही तेरी निकाली जाएगी, जब ही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिकंदर का यहाँ पर रह गया, जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, अब मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली 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 जाएगी। एक बार सिकंदर ने एक ऊंट को मंगवाया, ऊंट को मंगवा करके लाखों के हीरे मोतियों से लदवा दिया, लदवा करके सैनिकों को दिया और बाजार में भेज दिया और सैनिकों से कहा कि इस ऊंट को 1 रुपए में बेच आओ। सैनिक इस ऊंट को लेकर के बाजार में गए, जो भी आकर के पूछता कि ऊंट की कीमत क्या है, बस 1 रुपया सुनकर के चल देता, क्योंकि सिकंदर ने किसी के पास में रुपया पैसा छोड़ा ही नहीं था, सब अपने यहां पर जमा करवा लिया था। कहते हैं पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, शाम को एक नौजवान आया, इसने ऊंट को देखा और देख करके कीमत पूछी। इसकी विधवा माँ थी, शाम को अपनी माँ के पास में गया और माँ से जाकर के कहता है, माँ 1 रुपया दो। इसकी माँ कहती है, बेटे सिकंदर ने तू रुपए की बात करता है, पैसा भी किसी की बात नहीं छोड़ा है। ये कहता है, माँ कुछ भी यत्न करो, उस पर लाखों के हीरे मोती लदे हैं, हम तो खूब धनवान हो जाएंगे। कहते हैं बेचारी रात्रि को गई और इसके पति को जहां कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उसने जाकर के उस कवर को खोदा और कवर को खोद करके 1 रुपया को निकाल करके ले आई। उस रुपया को लाकर के अपने बेटे को इसने दे दिया। सिकंदर जानता था कि आज जिसने भी ऊंट को देखा है वो कल को जरूर इंतजाम करेगा। इसने सैनिकों को अगले दिन ऊंट लेकर के बाजार में भेजा और ये नौजवान तैयार खड़ा था कि कैसे ही ऊंट आए, सबसे पहले मैं ऊंट को खरीदूं। जैसे ही बाजार में ऊंट आया, इस नौजवान ने 1 रुपया देकर के इस ऊंट को खरीद लिया। सिकंदर के सैनिकों ने इस नौजवान का पूरा पता ले लिया और खाली हाथ दरबार में पहुंचे। सिकंदर कहता है ऊंट बिक गया, सैनिक कहते हैं ऊंट बिक गया। सिकंदर पूछता है किसने खरीदा, कहते हैं इन सैनिकों ने पता दे दिया। सिकंदर ने इस नौजवान को इसकी विधवा बूढ़ी मां को भरे दरबार में बुलाया और बुलाकर के पूछता है कि जब हमारा आदेश था कि कोई भी अपने पास में पैसा नहीं रखेगा, ए बूढ़ी मां तुमने रुपया कैसे छिपा करके रखा। ये बूढ़ी मां कहती है, अरे सिकंदर हमारे पास में रुपया पैसा था ही कहां। जब इसने कहा कि हमारे पास में रुपया पैसा था ही कहां, सिकंदर कहता है जब था नहीं तो आया कहां से। ये बूढ़ी मां कहती है, बेटे की जिद थी, हमारे घरों में जब कोई मर जाता है हम उसके मुंह में रुपया पैसा डाल देते हैं। मैं रात्रि को कब्रिस्तान में गई और अपने पति की कब्र को खोद करके रुपया निकाल करके लेकर के आई हूं। इतिहासकार लिखता है कि सिकंदर को आज तो नई बात मिल गई।
सिकंदर ने जितने शमशान घाट थे, जितने कब्रिस्तान थे, उन सबको खुदवाया और खुदवा करके मरे मुर्दों के मुंह से भी पैसा निकलवा करके इकट्ठा किया। लेकिन वही सिकंदर जब अंत समय आया, कहते हैं वैद्य लुकमान जैसे हकीम इसके पास में बैठे हैं और सिकंदर को केवल दस्त लगे हैं, ऐसी औषधियां उनके पास में ही कि अगर बहती नदी के जल में डाल दें तो नदी का जल रुक जाए। लेकिन सिकंदर के दस्त नहीं रुक पा रहे। आज तो सिकंदर निराशा भरी नजरों से देखता है, दरबार वालों से देख करके कहता है कि मुझे कोई बचाए, अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों को, सभी को देखता है, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाया। कहते हैं आज तो सिकंदर दुखी होकर के कहता है, जब मेरे जनाजे को, अर्थी को उठा करके लेकर के चलो, दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जिससे सारा संसार शिक्षा लेके सिकंदर ने इतनी धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन मौत से उसे कोई नहीं बचा पाया। इसलिए समय का कोई पता नहीं है। आज हम दुनिया के कार्य करते हैं, उनमें मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन याद रखना मौत की कोई भी मुहूर्त नहीं है, इसका कोई भी समय नहीं है कब आ जाए। इसलिए हम परमात्मा की भक्ति करते हुए, नेक कार्य करते हुए संसार से चले। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी।